बना है थोड़ा मंदिर उंदिर बाद में हमारे जाने में। क्या मान्यताएं हैं वही पार्वती शंकर जी यही है और सब डमरू भी बजता है। क्या खासियत है कि लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं, मंदिर की खासियत क्या है? क्या खासियत है, वो भोलेनाथ की खासियत से आते हैं। सुनने में आया कोई अंदर डमरू भी है? हाँ, कैसा डमरू है? इतना बड़ा पत्थर है। अच्छा, बोलता है जाने से। अच्छा, गुफा की चौड़ाई और लंबाई कितनी होगी? लंबाई कम से कम 50 फीट से कम होगा लंबा। और कब कब मेला लगता है इस मंदिर में? शिवरात्रि के लगता है। कितनी संख्या में लोग आ जाते हैं? संख्या कम से कम 5000 के आसपास आते हैं। क्या प्रसाद चढ़ता है शंकर जी को? बस वही फूल पत्ती यही सब नाम से जाना जाता है, तो वही सोनभद्र को गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक वादियों में बने पहाड़ों के बीच गुफाओं में कई ऐसे जगह हैं जहां शिव पार्वती की मूर्तियां विराजमान हैं। आज हम जिस गुफा के बारे में बात कर रहे हैं वो शिव पार्वती अमर गुफा के नाम से विख्यात है, जो डाला से सिर्फ मात्र 2 किलोमीटर अंदर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यहाँ पे शिवरात्रि के समय हजारों की संख्या में भीड़ लगती है और मेला भी लगता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ के मन्नत मानी हुई चीज़ें पूरी होती हैं, इसलिए लोगों का यहाँ पे आना जाना बढ़ता ही जा रहा है। एक दूसरे से चर्चा करते हुए लोग इस जगह के बारे में बताते हैं, जिस कारण यहाँ पे लोग अब अधिक संख्या में आने लगे हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं अनुज जायसवाल, अमर गुफा, डालास।